हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेरी वेल। तो आज की जो है वो वीडियो है कुकिंग वीडियो, जिसपे हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल डिश, जिसमें मैं बनाऊंगी खुरमे यानी शक्कर पारे। हमारी लैंग्वेज में उसको खुरमा बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑलमोस्ट 2 kgs ऑफ मैदा, और डेफिनेटली ये जो फुल रेसिपी है ये मेरी मम्मी बना रही हैं। और इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए घी और बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, थोड़ा सा डालेंगे चुटकी भर। आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने 2 किलो मैदे के लिए ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून ऑफ मतलब खाने वाला सोडा लिया है। और मोयन के लिए हम लेंगे घी, और घी जो पूरा लगा है, जो मैंने बाउल ली है उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 बाउल लगी है। तो जितना आपका जो मैदा होता है उसका 1/4 मोयन डालते हैं। और इसकी भी वही टेक्निक है कि आपका जब आटा जो है वो बाइंड होने लगे ऐसे करने पे, तो यानी कि आपका आटा परफेक्ट है, तो उसको आपको अच्छे से उसमें मिलाना है ऐसे हाथों से, और उसको धीरे धीरे पानी से सानना है, कम पानी डालना। और इसका भी डो एकदम हार्ड बनेगा, बहुत हार्ड नहीं, वही पूड़ी वाला जो आटा आप बनाते हो उससे थोड़ा सा कम हार्ड बनेगा। और उसको आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करिए ताकि वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। बिल्कुल धीरे धीरे क्वांटिटी में पानी डालते रहिए, और उसको सानने मतलब इसको जो गूंथने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 ग्लास ऑफ वाटर लग गया था, जो छोटी नॉर्मल ग्लास आती है। फिर आपको उसको अच्छे से गूंदना है, अच्छे से गूंदना है, उसको तैयार करना है, और उसको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप एक बड़ा अमाउंट ऑफ डो लीजिए और उसको ऐसे पेड़े के शेप में बनाइए। और इसका जो आपको रोल करना है ना रोटी, वो थोड़ी मोटी रहेगी, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 5-6 रोटी अगर आपने एक के ऊपर एक स्टैक कर दी, उतना थिकनेस होना चाहिए इसका। तो आपको इसको बहुत ही सॉफ्ट हैंडेडली रोल कर लेना है, और उसको आप चेक करते रहिए कि हर तरफ से मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज़ का हो। और फिर हम उसको काट लेंगे। पहले हम साइड साइड के सारे जो रफ एजेस होंगे उनको हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम इसको ऐसे क्यूब्स के शेप में काट लेंगे। और उसको काटने के बाद आप उसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और आपको उसको नॉर्मली बस फ्राई करना है, और जो सारे किनारे किनारे के एजेस है ना वो आप जो है निकाल लीजिए। इसमें इतना मोयन होता है कि आपके फ्लोर पे या जो सरफेस आप यूज़ कर रहे हैं रोल करने के लिए उस पर बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। और पहले हम लोगों ने गलती कर दी, छोटा नाइफ़ यूज़ किया, फिर मम्मा ने बड़ा नाइफ़ यूज़ किया जिससे आराम से कट गया। छोटे नाइफ से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जो रोल था वो बड़ा था। उसके बाद हमने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल यानी कि, उसके बाद आप उसको डालिए और गर्म होने के लिए रख दीजिए। और आपको जो खुरमा है या शक्कर पारे हैं उसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना वो हार्ड हो जाएंगे। वो एकदम लो फ्लेम रहेगा, समझ लीजिए मीडियम ही नहीं, लो फ्लेम रहेगा। और आपको धीरे 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 फ्राई करना है, और ऑलमोस्ट एक बैच फ्राई करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं, क्योंकि आप उसको बहुत स्लोली स्लोली फ्राई करना है। और हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए हो सकता है ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब अगर आप कम बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा फ्राई करने में। हमारा एक साथ थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी हो रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट ली है 1/2 kg शुगर, और उसमें हम इतना पानी सिर्फ डालेंगे कि आपकी शुगर जो है वो बस भीग जाए, दैट्स इट। यानी कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक जो सबसे छोटी ग्लास होती है उतना वाटर लिया और उसको डाला, और उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे तो चीनी जो होगी आपकी वो घुलती जाएगी। और आपको तब तक चलाना है जब तक वो चीनी एकदम से जैसे होता है ना घुल ना जाए पूरी प्रॉपरली तरीके से, और उसमें बबल्स ना आने लगे अच्छे से। और इसमें भी बेसिकली आपको एक तार वाली जो चाशनी बोलते हैं ना वो बनानी होती है, उतनी होनी चाहिए, और उसको आप चलाते जाइए चलाते जाइए। और आपको ये इसकी अगर इम्प्योरिटीज़ हटानी हो तो आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देंगे, तो इस जो इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं पूरी क्लियर हो जाएंगी शुगर की, और एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर आपका शुगर जो है वो दिखेगा। उसको चलाते रहिए, अब इसमें इतने बबल्स आ रहे हैं उसको देखते रहिए आप। और जब आपकी एक तार की चाशनी बनने लगे आप ऐसे गिरा के देखिए, ऐसे ड्रिप ड्रिप हो रहा है, तो यानी आपकी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है।
और उसके बाद उसमें जो तले हुए खुरमे हैं यानी शक्करपारे हैं आप उसको मिला दीजिए, और उसको धीरे धीरे मिक्स करते रहिए जब तक खुरमों के ऊपर वाइट कलर की लेयरिंग ना आ जाए शुगर की। तो उसके बाद आप उसको मिक्स करते रहिए, मिक्स एंड मिक्स। और इसके बाद ये देखिए धीरे धीरे वाइट कलर की उस पर लेयरिंग आने लगी है, तो आपका शक्कर पारे रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।